और हम इस प्रोग्राम का कुछ देर बाद रुक करेंगे। बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। जिन किसानों के पास, गौर से सुनिए, जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की जमीन है उनका वो वाला कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने फसल उपजाने के लिए कर्ज लिया था। पंजाब के करीब 10,25,000 किसानों को इसका फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी का वादा किया था। पंजाब से पहले महाराष्ट्र और यूपी ने कर्ज माफी का ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 एकड़ जमीन वाले किसानों के लिए ये खुशखबरी। यादवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, किस तरह से इसको मुकम्मल करेगी राज्य सरकार? देखिए, पंजाब की इकोनॉमी है जो बड़ी क्राइसिस में है, पंजाब का जो फाइनेंशियल है वो बहुत क्राइसिस में है, पर उसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वादा था। हालांकि मैनिफेस्टो में कहा गया था कि सारे किसानों का कर्ज माफ होगा, पर अभी आज विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 5 एकड़ तक के जो किसान है उनका जो क्रॉप लोन है वो माफ होगा। साथ ही जो 2 एकड़ से 5 एकड़ तक किसान है उनका जो 2 लाख रुपए की उनको आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 10 लाख किसानों का फायदा होने जा रहा है और स्टेट पर काफी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन इससे आएगा। तो अब देखना है कि कैसे फाइनेंशियल जुटाती है कैप्टन सरकार, पर एक बड़ा फैसला कैप्टन सरकार ने लिया है। किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, और पंजाब के किसानों की ये डिमांड थी बहुत लंबे समय से, पर अभी कैप्टन अमरिंदर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। देखना है अब इसके लिए फाइनेंशियल कहां से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अमरिंदर सिंह। सरकार का बड़ा फैसला ये है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।